जयपुर से बड़ी खबर है, पीएसक्यू से खबर आपको बता दें, 75% वेतन से सीधे 100% वेतन की ओर राज्य स्तरीय पुनर्वलोकन समिति की बैठक में की गई अनुशंसा। 168 निलंबित पुलिस कर्मियों के बहाल की अनुशंसा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीएचक्यू से जुड़ी हुई, जहां पुलिस कर्मियों के परिवारजन में छाई खुशी की लहर। बहाल करने के बारे में सतर्कता, एडीजी बिजू जॉर्ज जोसेफ ने ये आदेश जारी किए हैं। संबंधित एसपी निलंबित पुलिस कर्मियों को बहाल करके भेजेंगे पीएचक्यू को रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर, पीएचक्यू से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 75% वेतन से सीधे 100% वेतन बढ़ा दिया गया है। राज्य स्तरीय पुनर्वलोकन एक बैठक गठित की गई, जिसके अंदर बैठक में ये आदेश जारी किए गए, चर्चा हुई, उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। बहाल करने के बारे में सतर्कता, एडीजी बिजू जॉर्ज जोसेफ ने ये आदेश जारी किए गए हैं। तो 75% से वेतन से सीधे 100% ये कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 168 निलंबित पुलिस कर्मियों के बहाल की अनुशंसा की गई है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीएचक्यू से जुड़ी हुई, जहां पुलिसकर्मियों के परिवारजनों में इस खबर से खुशी की लहर है। संबंधित एसपी निलंबित पुलिसकर्मियों के बहाल करके भेजेंगे पीएचक्यू को रिपोर्ट। 75% से सीधे 100% वेतन कर दिया गया है। राकेश हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी लिस्ट के बारे में? बिल्कुल, 168 जो पुलिसकर्मी है जिनको निलंबित किया गया था पुलिस अधिकारियों द्वारा, उनके बहाली के लिए एक आदेश निकले हैं। क्योंकि 28 तारीख को एक मीटिंग हुई थी पिछले महीने, उस मीटिंग में इनकी अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पूर्ण विलोकन समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में इनके निलंबन से बहाल किए जाने की अनुशंसा की गई थी। उस लेटर के आधार पर पुलिस मुख्यालय एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक आदेश निकाला है। उस आदेश में 168 जो पुलिस कर्मी है उनके निलंबन की अनुशंसा की गई है। क्योंकि अब ये जो 168 पुलिस कर्मी है वो अलग अलग जिलों में तैनात है, इसलिए वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, और जो बहाल करने के बाद रिपोर्ट पीएचक्यू प्रस्तुत की जाए। जी बिल्कुल राकेश, देखिए जिन लोगों के इस लिस्ट में नाम है उनके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी इसी के साथ आ जाती है। जिस तरह से परिवार जनों में भी इनके खुशी की लहर दौड़ रही है, तो उसी तरफ से एक दूसरी ओर बड़ी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर अब आ जाती है। बिल्कुल, जब प्रक्रिया होती है, जब निलंबित किया जाता है तो 75% ही वेतन मिलता है। अब जैसे ही बहाल होंगे तो इनको 100% जो वेतन है वो मिलेगा, साथ ही इनको जो अलग अलग थानों में जिम्मेदारी दी जाएगी, अलग अलग जो लिस्ट निकालेंगे जिला एसपी उसमें एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि अब ये आदेश निकला है, इस आदेश निकलने से अब परिवारजन में एक खुशी का माहौल है। चूंकि कई महीनों से निलंबित चल रहे थे 168 पुलिसकर्मी, इनको जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा और फिर एक नई पारी के साथ ये पुलिसकर्मी फिर से फील्ड में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए।